एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कल हमने क्या क्या सीखा था एक बार मैं आपको एकदम जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों? कल हम लोगों ने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था, राइट? कंपनीज एक्ट 2013 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है? ये एक्ट का वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 60 मार्क्स के लिए एक्ट आता है, करेक्ट? कल हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे कि ये पूरे एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है, राइट? सो ये एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस है। और ये सेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो टोटल 29 चैप्टर्स है, इसमें से हमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। और हम लोग जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पूरे अगेन जो कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स है उसके हिसाब से अपना पूरा सीक्वेंस रहेगा, राइट? ठीक है, आपको ये भी चीज एक बार याद दिला रहा हूँ। देखो हम लोगों ने कल क्या किया था, मैंने आपको कल ऐसे बताया था बच्चों, आपने ये चीज शायद आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखी है, एक बार कंफर्म करना, ठीक है? मैंने आपको ऐसे बताया था कि जो आपका यूनिट वन है, यूनिट वन, ठीक है, इसका नाम है प्रिलिमिनरी। लिखा है क्या आपने? चेक करो एक बार, ठीक है? प्रिलिमिनरी, ओके। इसमें सिर्फ दो ही सेक्शंस है, कौन से दो सेक्शंस? सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, बस ये दो सेक्शंस का यूनिट वन बना है। यूनिट वन इज नथिंग बट चैप्टर वन ऑफ कंपनीज एक्ट। ऐसे कितने चैप्टर्स हैं? 29, हमें पूरे नहीं पढ़ने बट, राइट? हमें कुछ 10 चैप्टर्स ही एप्लीकेबल है, करेक्ट? यूनिट टू मीन्स चैप्टर टू ऑफ कंपनीज एक्ट। यूनिट टू जो है ना बच्चों, इसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड एंड मैटर्स इंसिडेंटल देटो, एंड मैटर्स इंसिडेंटल देटो, सही है? ये जो सेकेंड यूनिट है, यानी कि आपका सेकेंड चैप्टर हो गया, इसमें इसका एड्रेस क्या है आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होगा? 22 तक, बराबर? अभी हम लोग है ना क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, और मैं आपको यूनिट 1 जो है, चैप्टर 1 जो है उसके सेक्शन 2 के कुछ सेक्शंस में आपको बताऊंगा, राइट? तो आपको ये डेफिनेशन का जो चैप्टर है एकदम एंड में करना है, मैंने कल आपको ये भी बताया था, सही है बच्चों? अभी है ना हम लोग कल कुछ और बेसिक्स कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिला रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है? मैंने आपको ऐसे बताया था कि अपनी जो गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे मिनिस्ट्रीज बनते हैं, ठीक है? उसमें से एक मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये कंपनीज के मैटर्स को रेगुलेट करती है। इसके अंडर कौन कौन काम करता है एक बार ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपको याद दिला रहा हूँ। एक होता है रीजनल डायरेक्टर, ठीक है? एक होता है आरओसी, एक होता है एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। ब्रीफली बता दो, रीजनल डायरेक्टर क्या करता है? कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट को जो पावर दिए गए हैं, गवर्नमेंट बहुत बार अपने पावर को डेलीगेट करती है। डेलीगेट करती है मतलब सौंपती है, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट का काम है वो कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर करता है, सही? ऐसे कितने रीजनल डायरेक्टर है? 7, राइट? अच्छा, उसके बाद आरओसी का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का काम आरओसी करती है, सही है? ऐसे टोटल कितने आरओसी है वैसे? टोटल 22 आरओसी। कुछ स्टेट में दो दो आरओसी है, जैसे कि महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पुणे में और मुंबई में दो आरओसी है, राइट? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, इनका काम क्या होता है? एनसीएलटी और एनसीएलटी क्या कर रहे हैं? ये कोर्ट को रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली, राइट? तो पुराने लॉ में कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, बट अभी एनसीएलटी और एनसीएलटी उनके काम को रिप्लेस कर रहे हैं। एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी के कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं हम लोग एनसीएलटी के पास जाएंगे, वो डिस्प्यूट अगर रिजोल्व नहीं होता है या फिर हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग उसके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी है एनसीएलटी, उसके पास जाके हम लोग कंप्लेन करेंगे। एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट? अच्छा, उसके अलावा बच्चों कल हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है? मैंने कल आपको प्रमोटर का डेफिनेशन बताया है, ओके? एक सेकेंड, यहां से आते हैं और यहां से मैं आपको बता दूं, ठीक है? राइट बच्चों, कल हम लोग प्रमोटर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है? प्रमोटर का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में लिखा है? इट इज गिवन इन सेक्शन 269 ऑफ दी कंपनीज एक्ट, राइट? सेक्शन 269 जो है ये प्रमोटर को डिफाइन करता है। बहुत ही इजी है बच्चों, प्रमोटर तीन तरीके से बन सकते हैं, ठीक है? कौन से तीन तरीके हैं? सबसे पहला मेथड, सबसे इजी वाला मेथड है। अगर आपको जानना है कि कंपनी का प्रमोटर कौन है, सिंपली प्रोस्पेक्टस उठा के चेक करो, जो पर्सन का नाम प्रोस्पेक्टस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखा है प्रमोटर बोल के, वो प्रमोटर होगा, ठीक है? नहीं तो क्या कर सकते हो, हर कंपनी को साल में एक बार रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिटर्न। या तो एनुअल रिटर्न चेक करो, नहीं तो प्रॉस्पेक्टस चेक करो। जनरली प्रॉस्पेक्टस एक ही बार फाइल करती है कंपनी, कब करती है फाइल?
आईपीओ के पहले किसी कंपनी को अपना आईपीओ लाना है तो आईपीओ के पहले प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है, बट एनुअल रिटर्न हर साल फाइल करती है, करेक्ट? तो या तो प्रॉस्पेक्टस चेक करो, नहीं तो एनुअल रिटर्न चेक करो। ये डॉक्यूमेंट में जिसका नाम प्रमोटर करके लिखा है वो पर्सन प्रमोटर होगा। फर्स्ट मेथड इज वेरी इजी ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रमोटर। दूसरा तरीका प्रमोटर बनने का क्या है? वो पर्सन जो कंपनी के बिजनेस को, अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज, कैसे भी करके आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो तो आप प्रमोटर हो। एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था, कोई पर्सन है जिसके पास कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स है तो वो कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो अकेला पास करेगा, राइट? मेजर डिसीजन वो अकेला लेगा। तो अगर कोई बहुत बड़ा शेयर होल्डर है कंपनी में तो वो प्रमोटर हो जाएगा, सही है? बच्चों अच्छे खासे कंपनीज जो होते हैं ना उसमें कभी भी प्रमोटर होल्डिंग चेक करना चाहिए, ठीक है? नॉर्मली बहुत अच्छे कंपनीज वो होते हैं, वो माने जाते हैं जहां पे प्रमोटर कंपनी को बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज जो बहुत सही तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं, प्रमोटर्स को कंट्रोल करते हैं बहुत अच्छे से, 60%, 70%, 50% के ऊपर उनका नंबर होता है, राइट? तो जो पर्सन के पास बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है 50% के ऊपर, वो हो सकता है कि वो प्रमोटर बोल के उसका नाम लिखा नहीं गया बट वो प्रमोटर माना जाएगा। अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका भी मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। इनडायरेक्टली मतलब उसके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के साथ मिलके अगर उसका स्टेक 50 के ऊपर जा रहा है ना तो भी वो प्रमोटर हो सकता है, ठीक है? या वो डायरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है? या कोई और तरीके से अदरवाइज भी वो प्रमोटर बन सकता है अगर वो कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड तरीका मैंने आपको बताया था, अगर मान के चलो कोई पर्सन है जो कुछ बोल रहा है और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका मान रहे हैं, मतलब वो प्रमोटर होगा क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं। इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैंने कल दिया था, लीगल एडवाइजर्स या जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो एडवाइस देते हैं वो लोग कंपनी के प्रमोटर नहीं होंगे। एग्जाम्पल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई टैक्स कंसल्टेंट है, कोई लॉयर है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, इनसे एडवाइस ली जाती है और अगर ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज अ प्रोफेशनल कुछ राय दे रहे हैं और इनकी राय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं तो ये प्रमोटर नहीं हो जाएंगे। फिर ऐसे देखा जाए तो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी के लिए एडवाइस दे रहा है वो प्रमोटर हो जाएगा, ठीक है? सो ये प्रमोटर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, हम लोग क्लास में ट्राई करेंगे कि हम लोग सेक्शंस को क्लास में लर्न करें, सही है? तो अभी देखो ये प्रमोटर का डेफिनेशन 269 में लिखा है, वैसे मैं सीए फाउंडेशन में भी बताता हूँ ये, ठीक है? एक सीरीज है पूरा, वो सीरीज अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको बहुत सारे सेक्शंस एक साथ लर्न होंगे। एक चीज और आप लोग करो प्लीज, जिस दिन जो सेक्शन में बता रहा हूँ उस दिन वो सेक्शन एंड में लिखना चालू करो, मतलब नोटबुक के पीछे 4-5 पेजेस ब्लैंक छोड़ो, ठीक है? और वहां से सेक्शंस जैसे जैसे अपने क्लास में हो रहे डिस्कस वैसे वैसे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक लेक्चर में 3-4 सेक्शंस में बता दो, सारे सेक्शंस एक जगह लिखो, वही एक तरीका है सेक्शंस को लर्न करने का। द मोमेंट यू रिमेंबर सेक्शंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंपनीज एक्ट में तो आपको 100% हर जगह सेक्शन कोट करना ही चाहिए, 60 मार्क्स का वेटेज इसका, राइट? ठीक है बच्चों, अगर आपको याद है मैंने ऐसा कुछ आपको पहले भी सिखाया था फाउंडेशन में वैसे, ठीक है? कुछ सेक्शन से सीक्वेंस से आपको लर्न करना है, 268, 269, 270, 271 and 272, ये पूरा सीक्वेंस है, ठीक है? सीक्वेंस में बता रहा हूँ। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशन है सारे अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं। वॉट इज मीनिंग ऑफ अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं? ए अल्फाबेट से जो डेफिनेशन स्टार्ट है वो सबसे पहले आ रहा है, ठीक है? उसके बाद अगेन आगे का जो अल्फाबेट है उसका वो आगे का सेक्शन और नंबर बढ़ते जाएगा, राइट? तो बच्चों एक स्टोरी जैसा आपको ये दिमाग में रखना है कि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? प्राइवेट कंपनी है, उसका कोई प्रमोटर है, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वो बन गई पब्लिक कंपनी। अगेन स्टोरी क्या है, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो क्या बन गई, पब्लिक कंपनी। और पब्लिक ये वर्ड आ गया तो इसके आगे एक और वर्ड आपको याद रखना है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपको ये स्टोरी याद रहती है, ठीक है, तो आपको बेसिकली 4-5 सेक्शन सीक्वेंस से लर्न हो जाएंगे, करेक्ट? और अगर आप देखोगे तो सारे पी अल्फाबेट के डेफिनेशन एक सीक्वेंस में, अभी मैंने आपको जैसे बताया सब अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, ठीक है? वापस बता रहा हूं स्टोरी क्या है, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, बन गई पब्लिक कंपनी। पब्लिक वर्ड से आगे आपको जोड़ना है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, करेक्ट? अभी हमने कौन सा डेफिनेशन लर्न किया था, वैसे टू क्लॉज 69 प्रमोटर का डेफिनेशन हम लोगों ने लर्न किया था, ठीक है? डू वन थिंग, एक काम करो आप लोग, ये 1, 2, 3, 4 and 5 ये 5 सेक्शंस जो है आप लोग नोटबुक के एंड में आ जाओ, 4-5 पेजेस वैसे ब्लैंक छोड़ो, ऊपर हेडिंग लिख दो कंपनीज एक्ट का,
ठीक है, और ये सेक्शंस जो है आपको लिखना है, अभी नोट करना है फास्ट, राइट। अगर आप सबने लिख लिया है, वापस सीक्वेंस बता रहा हूं, प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, बन गई पब्लिक कंपनी, उसके आगे आपको याद रखना है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमने अभी कौन सा सेक्शन कंप्लीट किया है, प्रमोटर का, राइट। ठीक है, चलो बच्चों अगेन प्रमोटर का डेफिनेशन हमने कर लिया है, अब है ना रैंडमली मैं आपको कुछ सेक्शंस बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अभी हम लोग है ना एक और सेक्शन करते हैं जिसके बारे में बहुत डिटेल में यूनिट 2 में मॉड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। कौन से सेक्शन के बारे में डिटेल में लिखा गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन 2 क्लॉज 62, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, अगर आपने सीए फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता रहेगा 262 कौन सी चीज का सेक्शन है, राइट। ओपीसी, ओपीसी क्या है, 1% कंपनी, राइट। अच्छा आपको ये भी याद दिला रहा हूं, देखो आपको ब्रॉडली याद दिलाता हूं मैं, ये चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर मैं कंपनी को क्लासीफाई करूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं कंपनी को क्लासीफाई करूं तो एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है कि कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कंपनी को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकता हूं, या तो प्राइवेट कंपनी होगी नहीं तो पब्लिक कंपनी होगी, राइट। चलो ठीक है, अच्छा प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है, ये देखो यहां पे मैंने लिखा भी है 268 प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है, राइट 268, और पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या है, 271 पब्लिक कंपनी का सेक्शन, करेक्ट। अगर आपको याद नहीं है तो ये मैं आपको बता रहा हूं, पता रहना चाहिए वैसे, बट स्टिल प्राइवेट कंपनी जो होती है बच्चों इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होता है, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी में कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, 2, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होते हैं, राइट। अच्छा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 200 के ऊपर जा नहीं सकता है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या अनलिमिटेड होते हैं, राइट, करेक्ट। अच्छा बच्चों प्राइवेट कंपनी जो है उसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, करेक्ट। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था वैसे सीए फाउंडेशन में, सेम चीज यहाँ पे भी है। अगेन इसमें जो एम्प्लॉयज है, जो शेयर होल्डर बने, उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई और वो शेयर होल्डर बन गया तो उसको हम लोग ये 200 के लिमिट में काउंट नहीं करते हैं। चलो अभी मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, अभी यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है ना बच्चों, इसका एक स्पेशल कैटेगरी है और उसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी, ठीक है। ओपीसी इज नथिंग बट अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्राइवेट कंपनी। कोई भी अगर आपको पूछता है ओपीसी क्या है तो आपको बोला ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है, बट एक यूनिक टाइप की प्राइवेट कंपनी है। अलग क्यों है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, मिनिमम 2 लोग होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बट ओपीसी एक अलग टाइप की प्राइवेट कंपनी है जहां पे मिनिमम 1 ही पर्सन होता है और मैक्सिमम भी 1 ही पर्सन होता है। इन सिंपल लैंग्वेज ओपीसी में 1 ही पर्सन होगा जो पूरी कंपनी को संभालेगा, सही है। और ओपीसी का पूरा डिटेल कहां लिखा है, थ्रू क्लॉज 62 में लिखा है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले ओपीसी पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, फिर ये चार्ट आपको ड्रॉ करने के लिए मैं बोलूंगा, राइट। चलो यहां आ जाओ, इधर ओपीसी के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। अच्छा एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, आपने जो सीए फाउंडेशन लेवल में सीखा था ना बच्चों, ठीक है, उसमें मॉड्यूल में कुछ चेंजेस भी हुए, ठीक है, और वो यहाँ पे अभी सीए इंटर में मैं आपको जो भी चेंजेस एप्लीकेबल है वो सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे, क्या बता रहा हूँ सुनो। सी सो 1% कंपनी बच्चों जो है, इट इज गिवन इन विच सेक्शन, इट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 62, करेक्ट। अभी देखो 1% कंपनी की खासियत क्या है, एक ही पर्सन है जो पूरे कंपनी को संभाल रहा है, करेक्ट। तो है ना यहाँ पे एक तो एक मेंबर अपॉइंट होता है और एक नॉमिनी होता है, बराबर। सपोज इमेजिन करो मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है, ही इज मेंबर ऑफ ओपीसी, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, बराबर। अब अभी यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, अगर मिस्टर ए की अचानक से डेथ हो गई तो फिर कंपनी का क्या होगा, क्योंकि ये कंपनी में एक ही पर्सन है और अगर उसकी डेथ हो गई तो कंपनी को संभालेगा कौन, इसलिए ओपीसी में एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट होता है, बराबर। नाउ नॉमिनी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होगा, इट्स वेरी इजी बच्चों। नॉमिनी कौन होता है, नॉमिनी वो पर्सन होगा जो मेंबर को रिप्लेस करेगा अगर मेंबर का कैपेसिटी कहीं खत्म होता है, तो मेंबर का डेथ हो गया, मेंबर पागल हो गया, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई रीजन के वजह से मेंबर की लायकी खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो यहाँ पे मेंबर की जगह कौन आ जाएगा, नॉमिनी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मिस्टर बी नॉमिनी है, सपोज मिस्टर बी नॉमिनी है, इसका मतलब क्या है, नॉमिनी मेंबर बनेगा कब, जब मेंबर का कैपेसिटी खत्म हो गया। सपोज मेंबर का डेथ हो गया,
मिस्टर ए का डेथ हो गया तो अब मेंबर कौन बन जाएगा? मिस्टर भी मेंबर बन जाएगा। और अगर मिस्टर भी मेंबर बन जाता है तो क्या करना पड़ेगा? किसी और पर्सन को बी के जगह नॉमिनी रखना पड़ेगा। सही है, ठीक है, ओके, विल डिस्कस, हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। अब बच्चों यहां पे लॉ ने क्या किया है, अगर आप मेंबर बन रहे हो ओपीसी के, अगर आपको मेंबर बनना है तो है ना, मेंबर बनने के लिए यहां पे आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पर्सन है वो कंपनी को संभालने वाला, थोड़ा ढंग का तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगे गए। कंडीशंस क्या है एक बार अच्छे से चेक करते हैं, ओके? सबसे पहला कंडीशन यहाँ लिखा है कि ओपीसी का मेंबर बनने के लिए आपको नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। एनी वन हु कैन टेल मी, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग, ठीक है। कोई आर्टिफिशियल एंटिटी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकती है, कोई कंपनी ओपीसी खुद की स्टार्ट नहीं कर सकती। ओपीसी स्टार्ट करने के लिए आपको लिविंग बिंग यानी कि ह्यूमन बिंग यानी कि एक इंडिविजुअल होना जरूरी है। नेचुरल पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल ही यहां पे बन सकता है ओपीसी का मेंबर। सही है, कोई इंडिविजुअल ही बन सकता है, करेक्ट करेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई इंडिविजुअल ही बन सकता है ओपीसी का मेंबर, राइट? चलो बच्चों एक चीज और यहां पे लिखा है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। सिटीजन मतलब क्या? सिटीजन मतलब वो पर्सन जिसको बेसिक सिटीजन के राइट्स होते हैं, ठीक है। अभी ना बहुत सारे लोगों को सिटीजन और रेसिडेंट में कंफ्यूज होता है, मैं आपको वो भी क्लैरिफाई करूंगा। बच्चों सिटीजन वो पर्सन को बोलते हैं जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है और जिसको बेसिकली इंडिया के राइट्स मिलते हैं, इंडियन सिटीजन के राइट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ सिटीजन को ही इंडिया में वोट करने का राइट मिलता है, करेक्ट। तो हम लोग बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, बट आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि वो पर्सन नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, वो पर्सन इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज और, अगर आपको याद है सीए फाउंडेशन में आपने शायद ऐसा कुछ सीखा होगा, रेसिडेंट होना चाहिए और 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। इन्होंने चेंज कर दिया अभी, ठीक है। इनका अभी क्या बोलना है, अभी देखो, नेचुरल पर्सन अगर कोई है, इंडियन सिटीजन अगर कोई है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिया में रहो चाहे ना रहो, वो पर्सन मेंबर बन सकता है। तो रेसिडेंट का कंडीशन ही हट गया, मतलब अगर कोई पर्सन रेसिडेंट नहीं है तो भी वो ओपीसी बन सकता है, ओपीसी का मेंबर बन सकता है, राइट। सो रेसिडेंट रहो चाहे ना रहो, वो बन सकता है ओपीसी का मेंबर। अनदर थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इन्होंने अब क्या बोला, ये अभी इन्होंने ये चेंज करके यहाँ पे ब्रैकेट में इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं, मस्ट बी इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसको यहां से बताता हूं, ध्यान दो, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओपीसी का मेंबर बनने के लिए क्या कंडीशन है। सिर्फ तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक बात है, ओके। थर्ड कंडीशन क्या है, वो रेसिडेंट रहो या ना रहो, और नॉट अ रेसिडेंट, वो रेसिडेंट रहो या ना रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी वो इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन रहना चाहिए। कितने दिन रहना चाहिए, 120 डेज रहना चाहिए, 120 डेज रहना कंपल्सरी, बराबर। नाउ अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग आराम से देख लो यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट, ठीक है। आई विल आस्क अ क्वेश्चन, फिर वापस आपको मैं आराम से सोचने का मौका दूंगा, राइट। चलो बच्चों से इमेजिन करो कि फर्स्ट अप्रैल 2021 से लेके 31st मार्च 2022, ठीक है। ये क्या है पता है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर अलग होता है और कैलेंडर ईयर अलग होता है। डू यू नो दिस पॉइंट, पहले ये भी क्लियर करता हूं, बताओ फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या और कैलेंडर ईयर मतलब क्या। फाइनेंशियल ईयर मतलब स्टार्ट कब होता है, 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल के 31st मार्च को खत्म होता है। कैलेंडर ईयर मतलब अपने घर में जो कैलेंडर होता है उसमें डेट स्टार्ट कहां से होती है, 1st जनवरी से आता है। पूरे पैसे देके कैलेंडर खरीदोगे तो 1st जनवरी से स्टार्ट होता है, वो खत्म कब होगा, 31st दिसंबर। कैलेंडर ईयर की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। सपोज अगर आपको कोई पूछता है बताओ फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्टार्ट कब होगा और खत्म कब होगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 बोल रहे मतलब 1st अप्रैल 2021 को स्टार्ट होगा और 31st मार्च 2022 को एंड होगा। अंडरस्टैंड, क्या एक्सप्लेन करो, सुनो
बच्चों, ये फाइनेंशियल ईयर में कोई पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है ये समझ में कैसे आएगा बताओ? अच्छा चलो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, सुनो। सपोज इमेजिन करो ये पूरे के पूरे साल मिस्टर ए नाम का पर्सन इंडिया में ही रह रहा है, ठीक है? मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 पूरे दिन कितने होंगे? 365 पूरा इंडिया में ही है। सपोज इंडिया के बाहर गए नहीं, आपको सिर्फ इतना बताना है क्या ये पर्सन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रेसिडेंट होगा? रेसिडेंट मतलब वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बताओ सिर्फ बस ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? आया ना, चेक करो अच्छे से पढ़ो, रेसिडेंट रहो या मत रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ब्रैकेट में क्या लेगा है? फिर भी वो इंडिया में रहना चाहिए 120 दिन। प्रीसीडिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल 21-22 में ये ओपीसी का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसके लिए हमें फाइनेंशियल 21-22 के एक साल पहले का हिसाब चेक करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दी पॉइंट? एक बार वापस बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। अगर सपोज कोई आपको पूछता है बताओ मिस्टर ए फाइनेंशियल 21-22 में ओपीसी का मेंबर बन सकता है क्या, तो हमें क्या करना है बताए? हमें ये पूछना है उसको, ये साल का हिसाब मत बताओ, इसके पहले के साल का हिसाब बताओ। बताओ फाइनेंशियल 21-22 के पहले का साल 2021। अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल 2021 में भी ये इंडिया में ही था, तो मतलब फाइनेंशियल 21-22 में ये ओपीसी का मेंबर बन सकता है क्योंकि इसके पहले के साल में उसने इंडिया में 120 दिन से ज्यादा दिन बिताए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ऐसा क्यों लिखा होगा? कोई बोलेगा मेरे को एक साल पहले का हिसाब क्यों चेक कर रहे? करेंट ईयर में मैं कितने दिन रहूंगा इंडिया में वो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मेरे को करेंट ईयर में ओपीसी का मेंबर मैं बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं, इसके लिए पिछले साल जो हो चुका है जिसका डेटा मेरे पास है उसका डेटा मैं चेक करके डिसाइड करूंगा कि मैं ओपीसी का मेंबर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। करेक्ट, अंडरस्टैंड? सपोज इमेजिन करो आज तारीख है 1 अप्रैल 2022, बताओ कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 22-23। बताओ क्या मैं 22-23 में ओपीसी का मेंबर बन सकता हूं? मेरे को ये 22-23 चेक ही नहीं करना, इसके पहले का साल कौन सा है? 21-22। खुद को एक सवाल पूछो, क्या 21-22 फाइनेंशियल ईयर में मैंने 120 दिन से ज्यादा दिन बिताए हैं? अगर हाँ है आंसर तो मैं ओपीसी का मेंबर बन सकता हूं अगर मैं नेचुरल पर्सन हूं और अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं तो। सिंपल, फिर से बता रहा हूं, ओपीसी का मेंबर बनने के लिए 3 आसान से कंडीशन है, लर्न कर लो। कौन से 3 कंडीशन है? फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, सेकेंड इज इंडियन सिटीजन, थर्ड इज पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहना चाहिए? 120 दिन रहना चाहिए। रेसिडेंट बोलो उसको या मत बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट 120 दिन का कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, दैट्स इट। करेक्ट? अच्छा, जो कंडीशंस इन्होंने मेंबर के लिए रखे हैं सेम कॉपी पेस्ट इन्होंने कंडीशंस नॉमिनी के लिए भी रखे हैं, कोई रीजन बताएगा? यहां लिखा है देखो, नॉमिनी भी एक अपॉइंट करना जरूरी है। मैंने आपको बताया नॉमिनी क्या करता है, नॉमिनी जो है रिप्लेस करता है मेंबर को, कल को अगर मेंबर का कैपेसिटी खत्म हो गया तो, मेंबर का डेथ हो गया तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, राइट? अच्छा यहाँ क्या लिखा है, नॉमिनी मस्ट फुलफिल सेम कंडीशंस एज अबव, ऊपर के जो कंडीशंस है सेम वो नॉमिनी को भी फुलफिल करना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कल को नॉमिनी क्या बन सकता है? मेंबर। तो मेंबर वो कब बन सकता है? जब वो सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए सेम कंडीशंस इन्होंने नॉमिनी के लिए भी रखा है। अच्छा आपको एक चीज और पूछता हूँ यहाँ पे, वैसे देखते हैं आपको ये आंसर आ रहा है क्या। ए क्या कर रहा है? ए ने खुद का ओपीसी बनाया, ठीक है, और ए क्या करता है, अपने दोस्त का नाम नॉमिनी बोल के लिख देता है बगैर उसको पूछे, चलेगा क्या? बच्चों अगर मैं किसी को नॉमिनी बना रहा हूं, मैंने खुद को ओपीसी बना दिया और मैं मेरे दोस्त का नाम नॉमिनी बोल के लिख रहा हूं, तो ये लिखने के पहले उसका कंसेंट लेना जरूरी है। क्यों ऐसा? कल को मेरे को कुछ हो गया तो वो डायरेक्टली उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, ओपीसी का मेंबर बन जाएगा, ठीक है? इसलिए जब भी किसी को नॉमिनी बनाते हो पहले उसका कंसेंट ले लो, और ना ही सिर्फ उसका कंसेंट लेना है, उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको स्पेशली एमओए में। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बताऊंगा हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले वैसे, राइट? यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मस्ट गिव हिज कंसेंट इन राइटिंग। हम लोग रैंडमली ऐसा किसी का भी नाम लिख नहीं सकते, उसका खुद का कंसेंट होना चाहिए राइटिंग में, करेक्ट? और उसका नाम कहाँ मेंशन करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, राइट?
बच्चों यहाँ कुछ और बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, माइनोर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑब्लिक नॉमिनी। कोई बताएगा लॉजिक क्या है? माइनोर मतलब कौन पहले वो बताओ। माइनर मतलब वो पर्सन जिसका एज 18 साल का नहीं हुआ है, 18 ईयर्स के नीचे का जो पर्सन है उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। ठीक है, माइनर का कैपेसिटी होता है क्या कॉन्ट्रैक्ट करने का? नहीं होता है, करेक्ट। तो ऐसा पर्सन जिसको कुछ समझ ही नहीं है, वो पर्सन ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बनना चाहिए। क्या लॉजिक है? एक ही पर्सन है जो कंपनी को संभाल रहा है, थोड़ा ढंग का तो होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि एक ही पर्सन है जो ओपीसी का मेंबर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है, वो करने के लिए इसलिए थोड़ा ढंग का लाइकी का कैपेबल पर्सन होना चाहिए। इसलिए माइनर का पॉइंट इन्होंने क्लियरली बता दिया, माइनर ना तो मेंबर बन सकता है ना तो नॉमिनी बन सकता है, राइट। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि ओपीसी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस और हैं, ठीक है। जैसे कि ओपीसी पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ओके। अच्छा लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, इसमें ये पॉइंट हट गया है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ओके। ओपीसी में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है? ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी बिजनेस। ओपीसी एनबीएफसी बिजनेस नहीं कर सकती है। अब ये एनबीएफसी बिजनेस क्या होता है, थोड़ा एकदम शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो अच्छे से, ठीक है बच्चों। ये देखो एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट। अच्छा अभी आपको मैं थोड़ा ब्रॉड डिफरेंस बता रहा हूँ, एक एनबीएफसी में और एक बैंक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको है ना कोई बैंक का नाम बताओ ना यार, कोई कोई एक बैंक का नाम बताओ, कोई भी रैंडम बैंक का नाम बताओ। चलो ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक, ठीक है, और कोटक बैंक, ओके ठीक है, ईटीसी। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर इंडिया में किसी को बैंक का बिजनेस करना है तो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है उनका ही नाम जो है वो उसमें बैंक वर्ड का यूज वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोटक बैंक, नाम में बैंक यूज किया मतलब वो बैंक है और उनके पास आरबीआई का लाइसेंस है, सही है। बगैर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग लाइसेंस के कोई बैंक ऑपरेट कर ही नहीं सकता है, करेक्ट। अच्छा एनबीएफसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो ठीक है, और फिर डिफरेंस हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक बहुत फेमस एनबीएफसी है मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों इनका एड, ये गोल्ड लोन के बिजनेस में बहुत फेमस है, राइट। अच्छा मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, इसका नाम चेक करना, मुथूट फाइनेंस, इनके नाम में बैंक आ रहा है क्या? नहीं, इट मीन्स इट इज नॉट अ बैंक, बट ये फाइनेंस के बिजनेस में, ये गोल्ड लोन के बिजनेस में, और ये बहुत फेमस कंपनी है। आपको मैं सिर्फ इतना क्लियर कर रहा हूँ बच्चों कि एक एनबीएफसी जो होती है ना वो फाइनेंस के बिजनेस में ही होती है, एक बैंक जैसा। मेरे को लोन चाहिए, मैं एनबीएफसी से लोन ले सकता हूँ, बट दी ओनली प्रॉब्लम विद एन एनबीएफसी इज दैट एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। मतलब क्या है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके अकाउंट ओपन करके वहां पैसे जमा कर सकता हूँ, कोटक बैंक में, एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करके वहां पैसे जमा कर सकता हूँ, वैसे मुथूट फाइनेंस के पास जाके मैं अकाउंट ओपन करके वहां पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता हूँ। एक एनबीएफसी जो है वो पैसे लोगों से नहीं ले सकती है, उनके पास पैसे जुटाने के तरीके अलग होते हैं, वो म्यूचुअल फंड से, अलग अलग बॉन्ड मार्केट से पैसे उठाते हैं, करेक्ट। तो एनबीएफसी के बिजनेस का तरीका बहुत अलग होता है, बराबर। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपने सुना होगा बच्चों बजाज फाइनेंस, इट इज ऑल्सो एनबीएफसी। ये एनबीएफसी कैसे समझ में आएगा? नाम में फाइनेंस ऐसा कुछ लिखा है बट नाम में बैंक नहीं, मतलब एनबीएफसी होती है, सिंपल, ठीक है। जिसके नाम में बैंक है वो ऑटोमेटिकली बैंक हो गई। अच्छा पॉइंट क्या है, मेन मुद्दा ये कि ओपीसी जो है ये एनबीएफसी बिजनेस नहीं कर सकती है। अच्छा एनबीएफसी बिजनेस क्यों नहीं कर सकती है? उसका रीजन मैं बता रहा हूँ बच्चों। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो भी कंपनी फाइनेंस के बिजनेस में जो किसी को लोन दे रही है वो बिजनेस बहुत रिस्की होता है। फाइनेंस का बिजनेस एक्चुअली बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? किसी को लोन दे दिया, उसने पैसा डुबा दिया तो एनपीए हो जाता है। व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नहीं पता तो बता रहा हूँ, हम लोग बैड डेट बोलते हैं ना, वैसे बैंक के लिए एनपीए होता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, ये बिजनेस बहुत रिस्की होता है, इसलिए कंपनीज एक्ट ने बोला है कि देखो अगर आप ओपीसी हो, एक ही पर्सन है जो पूरे कंपनी को संभाल रहा है, इसलिए आप एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकते तो क्या बैंक का बिजनेस कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बैंक बनना है तो पहले एनबीएफसी के तौर पे आपको काम करना पड़ता है। बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही एनबीएफसी को लाइसेंस देती है जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है। आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज और बता रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक पहले कोटक फाइनेंस बोल के एक अलग बिजनेस चलाती थी, उसके बाद काफी साल तक एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उनको आरबीआई से लाइसेंस मिला है बैंक के तरीके से ऑपरेट करने का।
पहले एनबीएफसी बनना पड़ता है, बाद में बैंकिंग लाइसेंस मिलता है आजकल, ठीक है। तो अगर एनबीएफसी बन नहीं सकती तो बैंक तो बहुत दूर की बात होगी, राइट। तो ओपीसी पे रेस्ट्रिक्शंस है ऑब्वियसली बच्चों, एक पर्सन अगर बिजनेस को संभाल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, करेक्ट। अच्छा, ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। मैं बताऊंगा इसके बाद हम लोग सेक्शन 8 कंपनी करने वाले, सारे पॉइंट्स जो पहले सीए फाउंडेशन में आपने सीखा है वो थोड़े बहुत रिपीट होंगे यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में से क्या होती है, इनका प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन नहीं होता है, करेक्ट। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है ना, वो प्रॉफिट कमाने के इरादे से नहीं बनी है, उनका ऑब्जेक्ट सोशल वेलफेयर का होता है, सही है। अच्छा, तो ये ओपीसी के रेस्ट्रिक्शंस मैंने कुछ बताया। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हट गए तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बराबर। तो ये बच्चों ओपीसी में कुछ पॉइंट्स और है, राइट। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ दिस लाइन, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, मतलब ये क्या होता है पेड अप कैपिटल, कितने रुपए स्टार्ट करने के लिए मेरे को लगेंगे, ओपीसी स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए से स्टार्ट करूं, ये अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर है आप कितने भी रुपए से ओपीसी का बिजनेस चालू कर सकते हो। यहाँ लिखा है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब कम से कम इतने रुपए लगेंगे आपको ओपीसी स्टार्ट करने के लिए, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपके पास 100 रुपए आप चालू कर सकते हो ओपीसी का बिजनेस, अगर आपके पास करोड़ों रुपए तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है बताएं, गवर्नमेंट ओपीसी के बिजनेस को प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है आप आओ आप आराम से ओपीसी बनाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई छोटा पर्सन छोटा बिजनेस चालू करना है ओपीसी स्टार्ट कर सकता है बिंदास, ठीक है। इसलिए लिखा है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब कितने रुपए से मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, आंसर है कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, करेक्ट। अच्छा, अभी बच्चों ये लाइन का मतलब आप बता सकते हो क्या, फीचर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने अभी आपको क्लियर किया है, क्या क्लियर किया, कंपनी के दो ब्रांचेस ब्रोक है, एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ही एक कैटेगरी है ओपीसी, ओपीसी कुछ अलग नहीं है, एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 2 लोग लगते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, बट ऐसा ओपीसी में नहीं होता है, ओपीसी में एक ही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, बट बाकी सारे फीचर्स एक ओपीसी के सेम वैसे ही होंगे जो एक प्राइवेट कंपनी के होते हैं, नथिंग डिफरेंट, बराबर, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। अच्छा, और बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वन पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी, ऐसा क्यों रखा है आप लोग लॉजिक बताओ मेरे को, मतलब अगर सपोज मिस्टर नाम के एक पर्सन है, ठीक है, ये मेंबर है कोई ओपीसी का, बराबर, तो ये अपने हिसाब से 10-15 ओपीसी नहीं चालू कर सकता है, ऐसा मिस्टर नहीं कर सकता है कि आज एक ओपीसी चालू की कल एक और ओपीसी स्टार्ट कर रहा है और फिर कुछ दिनों में बहुत सारे ओपीसी इसने स्टार्ट कर दिया, ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा यार, संभालना मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली, बच्चों एक ही पर्सन है और वो 10-15 ओपीसी में काम कर रहा है, मतलब उसका ध्यान कहीं होगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो, ओपीसी पूरा का पूरा डिपेंड करती है एक ही इंसान पे, क्योंकि एक ओपीसी में एक ही मेंबर रहता है, तो अगर एक पर्सन 10-15 ओपीसी चालू कर रहा है तो उसका कोई भी ओपीसी में बराबर ध्यान नहीं होगा, इसलिए लॉ रेस्ट्रिक्ट करता है, आपको चालू करना है आप चालू करो, बट आप एक ही ओपीसी को चालू कर सकते हो, आप एक ही ओपीसी के मेंबर रह सकते हो एट वन टाइम, ठीक है, वही लिखा है वन पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी। सिमिलरली उसी तरीके से वन पर्सन कैन बी नॉमिनी ऑफ ओनली वन ओपीसी, मतलब वही लॉजिक यार, अगर मेरे को कहीं नॉमिनी बनना है मैं एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूं, मैं 10-15 ओपीसी में साथ में नॉमिनी नहीं बन सकता हूं, एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बनेगा, एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी बनेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ और ये सेम चीज मैंने आपको सीए फाउंडेशन में भी पूछी थी, वैसे आप लोग बता सकते हो क्या, देखो चलो सी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बच्चों, मान के चलो से मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है, ये पहले ओपीसी में फर्स्ट ओपीसी में ये मेंबर है, करेक्ट, फर्स्ट ओपीसी में मेंबर है, और मिस्टर ए क्या करता है, इसके कोई दोस्त की कोई ओपीसी है, सेकेंड ओपीसी में ये नॉमिनी बन रहा है, मेंबर नहीं बन रहा है नॉमिनी बन रहा है, चलेगा क्या, एक पर्सन एक ओपीसी में ही मेंबर रह सकता है, क्या मिस्टर ए एक ओपीसी में मेंबर है या दो ओपीसी में मेंबर है, मिस्टर ए कितने ओपीसी में मेंबर है, एक ही ओपीसी में मेंबर है, और मिस्टर ए कितने ऑफिस में नॉमिनी है, एक ही ऑफिस में नॉमिनी है, तो ये दोनों ही पॉइंट्स के हिसाब से तो इसने कुछ गलत किया ही नहीं है,
अच्छा, दूसरे ओपीसी का अगर मेंबर मर गया तो प्रॉब्लम आ सकता है, दो जगह पे मेंबर होगा तो प्रॉब्लम आएगा ना। एक काम करते हैं ना, दूसरे ओपीसी के मेंबर को मार ही देते हैं, ठीक है। सपोज मिस्टर बी यहाँ का मेंबर है, राइट। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, मिस्टर ए पहले ओपीसी में मेंबर है, ठीक है। मिस्टर ए दूसरे ओपीसी में नॉमिनी है, ये भी ठीक है फिलहाल। प्रॉब्लम कब आएगा, ये दूसरे ओपीसी में मिस्टर बी जो मेंबर है, मान के चलो अचानक से इसका डेथ हो गया, ठीक है। और इसका डेथ हो गया तो नॉर्मली मेंबर के डेथ के बाद कौन मेंबर बनता है, नॉमिनी मेंबर बनता है। अब ये नॉमिनी है कहाँ का, सेकंड ओपीसी का, तो अब इसको क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा प्रॉब्लम, पहले ओपीसी में मेंबर है, दूसरे ओपीसी में मेंबर मजबूरी में बनना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे मेंबर का डेथ हो गया, इसलिए नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, करेक्ट। अब यहां पे ऐसे सिचुएशन में मिस्टर ए के पास दो दो ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको अब डिसाइड करना पड़ेगा। उसको कुछ टाइम दिया जाता है कि उसको दो में से कौन सा ओपीसी चूज करना है, या तो उसको पहला ओपीसी चूज करना है तो वो कर सकता है, फिर उसको दूसरे ओपीसी का चॉइस हटाना पड़ेगा, या फिर वो दूसरे ओपीसी में मेंबर बन सकता है और पहले ओपीसी का वो मेंबर जो है वहां से वो निकल जाएगा। मतलब वो एट अ टाइम दो दो ओपीसी में साथ में मेंबर नहीं बन सकता, सही है। ये हो सकता है, पॉसिबल है कि एक ओपीसी में मेंबर है, दूसरे ओपीसी में नॉमिनी, दिस इज पॉसिबल, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। बट बाद में अगर इसका डेथ हो गया तो ये डिसाइड करेगा कि इसको कहां पे मेंबरशिप रखना है। आर यू गेटिंग दी पॉइंट, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स अभी आपको बताए, किससे जुड़े हुए, ओपीसी से जुड़े हुए। एक बार शॉर्ट में समरी बता रहा हूं, जल्दी से आप लोग बताओ, आंसर करते जाओ। ओपीसी का सेक्शन बताओ पहले तो, चलो सेक्शन टू क्लॉज 62 ओपीसी का सेक्शन है। चलो ओपीसी में एक मेंबर रहता है, एक नॉमिनी रहता है। मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए तीन कंडीशंस है, पहला कंडीशन नेचुरल पर्सन, दूसरा कंडीशन इंडियन सिटीजन, तीसरा कंडीशन रेसिडेंट रहो या मत रहो चलेगा, बट फिर भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज या उससे ज्यादा दिन बिताने चाहिए इंडिया में, राइट। ठीक है, माइनर ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता है। अच्छा, ओपीसी कुछ कुछ बिजनेस नहीं कर सकती, ओपीसी सेक्शनेट कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, बताऊंगा उसके बारे में। ओपीसी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती है। ओपीसी को स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपीसी को सारे फीचर्स एक प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेबल होते हैं। एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी में मेंबर बन सकता है और एक पर्सन सिर्फ एक ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। जस्ट एक काम करो जल्दी से, हम लोग जहां पूरे सेक्शन साथ में लिख रहे हैं वहां 262 लिख के ओपीसी का नाम मेंशन कर दो। चलो चलो बच्चों, अगेन हमने प्रमोटर का डेफिनेशन किया, हमने अभी ओपीसी का डेफिनेशन जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से हमने पढ़ा, राइट। अच्छा, अभी सेक्शन 8 कंपनी करते हैं जल्दी से, और ये बहुत इजी है। सेक्शन 8 कंपनी मेरे ख्याल से आपने इसके पहले थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बराबर। अच्छा, नाउ सेक्शन 8 कंपनी एग्जैक्टली क्या होते हैं, अंडरस्टैंड बच्चों। अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट के बेसिक्स याद है, मैं एकदम से पार्टनरशिप एक्ट क्यों बोल रहा हूं आपको रियलाइज होगा भी। पार्टनरशिप एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कोई पता रहना चाहिए। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहा हूं तो पार्टनरशिप फर्म सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बन सकती है, आपको याद है। कुछ पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा करोड़ों साल पहले, क्या करोड़ों साल पहले, अभी अभी पढ़ा है, अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म बच्चों सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बन सकती है, बराबर। अगर पार्टनरशिप फर्म को चैरिटेबल पर्पस के लिए स्टार्ट करना है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वैसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ऐसा कंपनी के लिए नहीं है, बराबर। अगर मैं कंपनी बना रहा हूं तो नॉर्मली मेरे को प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होगा, बट अगर मेरा इरादा प्रॉफिट कमाने का नहीं है तो भी मेरे लिए यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया गया है कि मैं सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे वो कंपनी बना सकता हूँ, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी एग्जैक्टली क्या है, सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका इरादा प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट नहीं कमाना है तो फिर क्या करना है, उसका कोई और इंटेंशन होगा। जैसे कि कोई साइंस को प्रमोट कर रहा है हो सकता है, या फिर से कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यानी कि कॉमर्स को, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क को, ठीक है बच्चों। ऐसा हो सकता है क्या कि सपोज किसी ने सेक्शन 8 कंपनी स्टार्ट किए, कोई बहुत पुराना फोक आर्ट है, ठीक है, कोई बहुत पुराना आर्ट है जिसको लोग भूल रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी स्टार्ट कर दी और उसने सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर उसको रजिस्टर कर दिया, चलेगा, ठीक है। चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकता है,
ठीक है, रिलीजन को प्रमोट करने का हो सकता है किसने मंदिर बना दिया और वो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर उसको रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है। ये सारे पर्पस में प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं अपना, ठीक है, कोई और पर्पस से हमने वो कंपनी को स्टार्ट किया है, प्रॉफिट कमाने का इरादा नहीं है। अब प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी में एक बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको पूरे पॉइंट्स के दौरान दिमाग रखना है। सेक्शन 8 कंपनी अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो है ना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि सर मेरा पैसे कमाने का इरादा नहीं है और मेरा ये पर्पस से मेरे को कंपनी स्टार्ट करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस होती है तो वो हमें लाइसेंस देती है, अगर लाइसेंस मिलता है तो ही आप सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे आपका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप आगे जो भी आपका बिजनेस है वो कर सकते हो, सही है। तो यहाँ वही लिखा है। अच्छा यहाँ पे देखो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, फिर से पॉइंट आ गया, मतलब बताओ ना, अभी बताया था मतलब कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता हूं मैं, कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकता हूं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था, लाइसेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस करो कि आपका प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, इमेजिन करो किसी ने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, ठीक है, हॉस्पिटल स्टार्ट किया और वो गवर्नमेंट को कन्विंस कर रहा है कि सर हमारा इंटेंशन है कि लोगों का एकदम सस्ते में एट कॉस्ट हम उनका इलाज करें, गवर्नमेंट को लगता है कि सच में इनकी बात में दम है तो गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगी, बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा है और ये कोई भी एंगल से लोगों की भलाई नहीं कर रहे तो उनको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। इसलिए किसके पास जाके पहले कन्विंस करना पड़ेगा, उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर उन्हें लाइसेंस दिया है तो आप सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, सही है। अच्छा एक और पॉइंट है, और बच्चों जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, हर पॉइंट पे सीए इंटर लेवल पे भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आए, सही है। अच्छा क्या लिखा, देखो यहाँ पे अपने फाउंडेशन लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, इस पॉइंट पे आते क्वेश्चंस, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज डिविडेंड, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर करो, क्या सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं फिर भी प्रॉफिट हो सकता है। बच्चों कलयुग ऐसे ही होता है, जिसका प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, जिसका प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स, आप लोग देखो आपके इर्द गिर्द कितने सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको करोड़ों रुपए का डोनेशन मिलता है, उनका पैसे कमाने का इरादा भी नहीं है, तिरुपति शिरडी, ठीक है, हर जगह वही हो रहा है, सही है। अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सेक्शन 8 कंपनी है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हो सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी किसने स्टार्ट की है, पैसे कमाने का इरादा नहीं है बट उनको बहुत पैसा मिल रहा है, तो अगर उनके पास पैसा आ गया और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो प्रॉफिट का क्या करना है, सिंपल, आपका ऑब्जेक्ट क्या है उस पर आपको खर्चा करना है। अगर किसी का हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट था तो क्या करेगा, वो नए हॉस्पिटल बनाएगा, सेम चीज करेगा एट कॉस्ट या फिर सस्ते में लोगों का इलाज करेगा, करेक्ट। किसी का हो सकता है कि स्कूल बनाने का सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्ट था, अपने ऑब्जेक्ट पे पैसा खर्च करो, प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के तौर पे आपको शेयर होल्डर्स को बांटना नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा है, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज डिविडेंड, मैं सेक्शन 8 कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा यार, मैं नाराज नहीं होगा क्या कि कंपनी मेरे को डिविडेंड नहीं दे रही है प्रॉफिट होने के बावजूद। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कंपनी का पैसे कमाने का इरादा है ही नहीं, बराबर। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, सेक्शन 8 कंपनी का डिविडेंड का पॉलिसी होता ही नहीं है, पैसा कमाया तो खुद के ऑब्जेक्ट पे खर्च करती है क्योंकि लॉ ऐसा बोल रहा है। मान के चलो कोई सेक्शन 8 कंपनी ने डिविडेंड शेयर होल्डर को बांट दिया तो क्या होगा, जिसने लाइसेंस दिया था वो लाइसेंस ले लेगी, कैंसिल कौन कर सकता है, जिसने लाइसेंस दिया था, किसने लाइसेंस दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सिंपल है, राइट। चलो एक चीज और आपको ये भी बताओ बच्चों, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के एंड में नॉर्मली लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम के एंड में लिमिटेड लगा है, मतलब वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, इंफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, हर जगह लिमिटेड लिखा है, मतलब ये सारे लिस्टेड कंपनीज है और प्लस ये पब्लिक कंपनीज है, बराबर, पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड होता है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज होता है, सही है, प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होता है। सेक्शन 8 कंपनी के नाम के एंड में ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है, करेक्ट। सेक्शन 8 कंपनी का नाम काफी संस्कारी होता है, संस्कारी मतलब बच्चों सेक्शन 8 कंपनी का नाम जो है ना, वो नाम पढ़ के आपको लगेगा अच्छा 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 ये सेक्शन 8 कंपनी है,
फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी ने ऐसा कुछ स्टार्ट कर दिया, से एक्स वाई जेड नाम उसका लिख दिया और आगे नाम के आगे संस्था वर्ड यूज किया। सपोज संस्था वर्ड यूज किया मतलब आपके दिमाग में क्या चलेगा, संस्था मतलब क्या, पैसा कमाने का रहता है या फिर सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्ट होगा, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्ट होगा, वो सेक्शनल कंपनी हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भारी भारी वर्ड जैसे कि फेडरेशन, फाउंडेशन, चैरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भी ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो मतलब आप कौन सी कंपनी के तौर पे खुद को रजिस्टर कर रहे हो, सेक्शनेट कंपनी। सेक्शनेट कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता है, ये यूज नहीं करना है, नाम उनका कुछ यूनिक होता है, वो पढ़ के हमें एक आइडिया लगता है। यहाँ लिखा देखो चैम्बर्स फाउंडेशन फेडरेशन, सॉरी चैम्बर्स फाउंडेशन फेडरेशन, ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। अच्छा कैन बी यूज लिखा है मतलब यूज करना जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा मतलब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी, नहीं आगे कुछ लिखा नहीं, चैरिटेबल वगैरह कुछ नहीं लिखा है, बस ये नाम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वर्ड यूज करना, ठीक है, बट आपके नाम के एंड में ना तो लिमिटेड होगा ना तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, सही है। सो दिस इज द मेन फंडा ऑफ सेक्शनेट कंपनी, ये सब चीजों के बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा वैसे, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड, जिसने दिया है वो ले भी सकता है। लाइसेंस किसने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कौन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा लाइसेंस क्यों लेगी, मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। लाइसेंस लेने का एक मेन रीजन मैं बता दूं, जो पर्पस से आपने सेक्शनेट कंपनी को स्टार्ट किया था वो पर्पस से आप उसको नहीं चला रहे हो, आपने गवर्नमेंट को पहले जाके बोला सर हमें ना हॉस्पिटल बनाना है, लोगों का सस्ते में इलाज करना है, और आप एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो, किसी ने कंप्लेन कर दिया जाके, क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बराबर। या फिर आप एक पर्पस बोल रहे हो और दूसरे कुछ कर रहे हो, सही है, आप एक पर्पस बोल के अगर आप दूसरे कुछ पर्पस से आप अगर उसको स्टार्ट कर देते हो तो अगेन आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, जो बोला है वही काम करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट है ना लाइसेंस देने के टाइम पे भी आपको कुछ कंडीशंस लगाती है कि आपको क्या क्या रेट चार्ज करना चाहिए, आप इसके ऊपर भाव नहीं कर सकते हो, ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, अगर आप उससे ज्यादा पैसे चार्ज करोगे तो अगेन लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जब भी गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल करती है तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, देखो यहाँ लिखा है, ऑन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस और चेंज इट्स नेम। कोई बताएगा कन्वर्ट इट्स स्टेटस मतलब क्या, स्टेटस कन्वर्ट करना मतलब कौन सा स्टेटस, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, कौन सा, इंस्टाग्राम का, टाइप ऑफ कंपनी चेंज हो जाएगा, सिंपल। मतलब अगर सपोज सेक्शनेट कंपनी किसी ने बनाया था, ठीक है, अब गवर्नमेंट उसको बोल रही है भाई तू सेक्शनेट कंपनी के लायक का नहीं है, कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सेक्शनेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या उसका नाम चेंज होगा, बताओ कैसे। सपोज इमेजिन करो किसी ने एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट ये नाम से सेक्शनेट कंपनी स्टार्ट किया था, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बोल रही है कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इनके नाम में क्या चेंज आएगा, ये नहीं यूज कर सकती कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट ये नाम से हटा दो, और नाम के एंड में आप क्या लिखना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में वो लिखना कंपलसरी होता है, गेटिंग दी पॉइंट। तो आपका स्टेटस भी चेंज हो सकता है और आपका नाम भी चेंज हो सकता है, दोनों भी साथ में हो सकता है, किसका ऑर्डर होगा, कौन बोलेगी ऐसा करने के लिए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर गुस्सा आ गया तो वर्स्ट केस में वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ सकता है। बच्चों अगर कोई कंपनी के साथ सबसे बुरी चीज हो सकती है वो है वाइंडिंग अप, करेक्ट। अच्छा आपको ये पता होगा वैसे कंपनी मरती नहीं है, बट है ना कंपनी को स्टार्ट लॉ का प्रोसेस करता है और कंपनी को एंड भी लॉ का प्रोसेस करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर उसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया मतलब कंपनी को सीधा बंद करना पड़ेगा, राइट। अच्छा बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत लॉजिकल डिसीजन लेती है कि क्योंकि आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आपको अमालगमेट किया जाएगा कोई दूसरे कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेशन का एकदम आसान भाषा में मतलब है मैरिज ऑफ कंपनीज, सिंपल है, ठीक है। कंपनीज की शादी हो गई है, अच्छा ये कंपनीज की शादी होगी मतलब क्या बता रहा हूं, सपोज किसी ने हॉस्पिटल चालू किया, सेक्शनेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया, उनका बोलना था लोगों का सस्ते में इलाज करेंगे बट वो लोगों को लूट रहे थे, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब इमेजिन करो बच्चों हॉस्पिटल में इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इतने सारे बेड्स होते हैं, उन सबका क्या करना है, उन सबको अगर सपोज गवर्नमेंट बोलेगी सीधा बंद कर दो तो वो पूरा वेस्ट हो गया,
हर बार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है ये हॉस्पिटल का लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि इन्होंने सही काम नहीं किया, ये हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल के साथ अमालगमेंट कर दिया जाए, उससे क्या होगा, उससे वो एसेट्स वेस्ट तो नहीं होंगे और वो जनरल पब्लिक के काम में आएगा कुछ, बराबर। जो सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको वही ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमालगमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल का अमालगमेंट हॉस्पिटल के साथ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैरिज दो सही लोगों के बीच में होना चाहिए, राइट। सो अमालगमेशन का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ओके okay. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं, जीएम मतलब शॉर्टकट लिखा है यहाँ पे, जनरल मीटिंग। आपको बिल्कुल एग्जाम में शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है, ये सब आप जब नोट करोगे नोटबुक में बहुत ढंग से लिखना बच्चों, जनरल मीटिंग। अच्छा वैसे आपको ये बता रहा हूँ, मेंबर्स का जनरल मीटिंग जब लिया जाता है तो मेंबर्स को बुलाना पड़ता है 21 डेज पहले, नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। ये चीज पे इतना डिटेल में डिस्कशन होने वाला अपना कहाँ पे बताया, मीटिंग्स नाम के चैप्टर में, बहुत बहुत डिटेल में आपको, बहुत वेटेज भी उसका। अभी फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में रखो, कोई नॉर्मल कंपनी से रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस को अगर जनरल मीटिंग रखना है तो जनरल मीटिंग रखने के 21 डेज पहले मेंबर्स को बोलना पड़ता है। 21 डेज का क्या लॉजिक है, तीन हफ्ते मतलब 7 × 3 21 डेज, 21 डेज पहले मेंबर को बता दो कि इस दिन आपका जनरल मीटिंग हम लोग रख रहे हैं, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा रिलीफ दिया गया है, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसको जनरल मीटिंग रखना है, 21 डेज पहले से तैयारी नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 14 डेज पहले आप इन्फॉर्म करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बच्चों सेक्शन 8 कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जगह छूट होती है, रिलैक्सेशंस होते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ मत दो, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर हियर। बच्चों नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म कोई कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है, कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी क्या लॉजिक है इसके पीछे कि पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे शेयर खरीद नहीं सकती है, वो शेयर होल्डर नहीं बन सकती है। बट उसका एक्सेप्शन उन्होंने क्रिएट किया है, इन्होंने बोला है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बनना है वो बन सकती है। ऐसे एक्सेप्शन क्यों क्रिएट किया है, गवर्नमेंट चाहती है कि सेक्शन 8 कंपनी को पैसा मिले, उनके मेंबर ज्यादा हो क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट अच्छा है, दैट इज दी ओनली पर्पस, समझा, ठीक है। बोलो इस लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने पॉइंट्स किए, हमने मेजरली दो ही पॉइंट्स किए, फर्स्ट वॉज ओपीसी एंड सेकेंड वॉज सेक्शन 8 कंपनी, राइट। ओपीसी किसका पार्ट है, वैसे प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। ब्रॉडली आप कहीं ये नोट करना चाहते हो कर सकते हो, सिर्फ इतना आपको नोट करना है, बस एक सेकंड, आपको सिर्फ इतना नोट करना है, कंपनी के दो क्लासिफिकेशन, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी का एक पार्ट है ओपीसी, राइट। बच्चों आई एम सेंडिंग दिस फाइल, आराम से घर पे लिखना है, जितना घर पे लिखोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शुरुआत के लेक्चर्स आपको लगेगा सीए फाउंडेशन में भी लिखा है सर, अभी भी लिखना है क्या, आंसर इज यस, अभी भी लिखना है,